प्रदेश के आगरा में सोमवार को ताजमहल घूमने आई एक स्पेनिश महिला पर्यटक पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले के दौरान बंदरों ने महिला पर्यटक के पैर पर काट लिया, इससे काफी खून बहने लगा। सूचना पर MSI के अधिकारियों ने हड़कंप मच गया। आनन फानन में महिला के पहले तो ताज परिसर में ही प्राथमिक उपचार दिया गया, इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान बंदरों ने एक बच्चे पर भी हमला करके उसकी पीठ पर काट खाया। जानकारी के मुताबिक एक स्पेनिश महिला पर्यटक अपने साथियों के साथ सोमवार सुबह ताजमहल देखने के लिए पहुंची थी। सभी फोटो खिंचा रहे थे, तभी ताजमहल परिसर में बंदरों के झुंड में महिला पर हमला कर दिया। महिला पर्यटक चीखी तो बंदर और ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने महिला के पैर पर गंभीर रूप से काट खाया। मौके पर मौजूद एक फोटोग्राफर और ASSI कर्मी ने उसे बंदरों से बचाया, साथ ही उसके पैर पर पट्टी बांधी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। प्राथमिक उपचार देने के बाद महिला को अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे होटल में छोड़ा गया। 10 दिन में ताजमहल घूमने के लिए पहुंचे पर्यटकों पर बंदरों ने हमले की यह चौथी घटना है। 11 सितंबर को तमिलनाडु में रहने वाले शाहीन रशीद पर भी ताज में बंदरों ने हमला कर दिया था, उन्हें काट कर घायल कर दिया था। इसके अगले दिन स्वीडन निवासी एक महिला पर्यटक को बंदरों ने काट लिया था। फिर 14 सितंबर को ताजमहल स्थित चमेली फर्श पर बंदरों ने दो विदेशी युवतियों पर बंदरों को काट लिया था। दोनों विदेशियों को अस्पताल ले जाया गया था। वहीं ताजमहल में विदेशी पर्यटक पर बंदरों ने हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने महिला पर्यटक के वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि ताजमहल में विदेशी पर्यटक को बंदर द्वारा काटे जाने का समाचार बेहद गंभीर है। देश प्रदेश में आर्थिक बदहाली के बीच अगर विदेशी पर्यटक डर गए तो पर्यटन उद्योग व उर्प की आय का साधन भी प्रभावित होगा। DM के चश्मे की तरह क्या बंदर पकड़ने का फंड भी बंदर ले उड़े या उसकी बंदर बोट हो गई। बता दें कि ताजमहल पर बंदरों का तो आगरा जयपुर नेशनल हाईवे स्थित फतेहपुर सिकरी में मधुमक्खियों का आतंक है। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजे की छत पर भारी संख्या में मधुमक्खियों के बड़े बड़े छाते लगे हुए हैं। इनमें लाखों की संख्या में मधुमक्खियां रहती है। कई बार यह मधुमक्खियां आक्रामक होकर लोगों पर हमला कर देती है। कुछ माह पहले फतेहपुर सिकरी में मधुमक्खियों ने अचानक पर्यटकों पर हमला कर दिया था। इस घटना में कई दर्जन लोग घायल हो गए थे, इनमें कई विदेशी भी शामिल थे। फोटोग्राफर योगेश पाल मैंने वो लगा दिया, वो कहेगा उसमें चुनी नहीं है, कह रहा घर से लाऊंगा। क्या बोले आप? अरे नहीं है तो बता दीजिए। नहीं है ना, घर पर दिलाऊंगा। ये देखो कह रहे हैं कि फोटो खींचने के चक्कर में हुआ है। घूमली लौट के नहीं जाए तो ग्रुप स्पेनिश भाषा वाले।